सोनहत में बेरोजगारी भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले ही पुलिस ने दो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उठा लिया है, जिसके बाद थाने में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। भाजपा युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ता के खिलाफ दूसरे दिन प्रदर्शन करने वाले थे और पुलिस को इस बात की भनक लगी। पुलिस ने दो कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के पहले ही शाम के वक्त घर से उठा लिया और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए देर रात छोड़ा। हालांकि समर्थकों ने थाने में देर रात जमकर हंगामा किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीन लोग पुतला दहन किए और ये सरकार को नागवार गुजरा। अधिकारियों किसी का दबाव था, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिए। यदि हम नियमों का पालन करते हुए कोई चीज कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष के अधिकार को छीनने का प्रयास ये उचित नहीं है। ये इस लोकतांत्रिक देश में ऐसी परंपरा और खासकर इस कोरिया जिले में ऐसी परंपरा नहीं रही। कार्यक्रम था, इसके संबंध में जो विधिवत अनुमति लेनी चाहिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से, ये बिना अनुमति लिए वो विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। क्योंकि अभी अगस्त 16 तक जिले में धारा 144 प्रवृत्त है तो उसके उल्लंघन में ये कार्रवाई की गई, इसलिए धारा 188 आईपीसी के तहत में अपराध पंजीकृत किया। मध्य प्रदेश की आर्थिक